बिग बॉस के घर में राखी सावंत छाई हुई हैं, लेकिन क्या इसका खामियाजा रुबीना और राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती है। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। और भाई यहाँ पर ऐसा है कि हमने देखा है पिछले एक दो हफ्ते से, मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा समय से, कि बिग बॉस के घर में आजकल चैलेंजर्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनको सामने रखा जा रहा है, उनको जितना पंप अप कर सकते हैं वो किया जा रहा है। अगर आप एपिसोड्स में भी देखें तो या तो राखी सावंत दिखाई देती हैं, अर्शी खान दिखाई देती हैं, जितने भी फ्रेम्स होते हैं उनमें से 99% फ्रेम्स में कहीं ना कहीं राखी या अर्शी जरूर दिखती हैं। इवन वीकेंड का वार पर भी हमने देखा कि कैसे पहले के रौनित अश्रा की एक वीडियो दिखाई थी जो उसने राखी सावंत के लिए बनाई थी, फिर इस वीकेंड का वार पर हमने देखा कि यशराज मुखाटे ने जो वीडियो बनाई थी राखी सावंत के लिए वो दिखाई गई। वीकेंड का वार पर भी राखी का बोलबाला रहता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठीक है, मैं जानता हूं कि राखी एक अच्छी खिलाड़ी हैं, एंटरटेनिंग लग रही हैं, पॉजिटिव लग रही हैं, राखी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, राखी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ राखी ही अच्छी खिलाड़ी हैं। बिग बॉस के घर में और भी बड़े खिलाड़ी हैं, रुबीना है, राहुल है, उनका स्क्रीन शेयर कम हो गया है, उनका दिखना कम हो गया है, उनके फुटेज कटने लगे हैं। राहुल वैद्य के तो बहुत सारे फुटेज ऑलरेडी वैसे ही कट रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, किस तरीके से राहुल वैद्य को जो वो फॉल्स नैरेटिव वाला टास्क था उसमें पूरा का पूरा उड़ा ही दिया गया कि राहुल वैद्य ने क्या बोला, दिखाया नहीं गया। रुबीना भी कम दिखने लगी हैं। क्या रुबीना 24 घंटे में कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है दिखाने लायक? क्या वो कोई कंटेंट नहीं निकाल रही है? क्या राहुल कोई कंटेंट नहीं निकाल रहा है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अब नोटिस करने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राखी सावंत की तारीफ नहीं करिए, पंप मत करिए, बिल्कुल करिए, अच्छा खेल रही है, तारीफ बनती है, लेकिन वो डेलिबरेट ना लगे, वो ऐसा ना लगे कि आप ओवरडू कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ उसी को दिखा रहे हैं, बाकी किसी को दिखा ही नहीं रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आप ना रुबीना को ज्यादा दिखा रहे हैं, ना राहुल को दिखा रहे हैं, ना एजाज को, ना अभिनव को, किसी को नहीं। आप जो है, आपका जो मेजर फोकस है वो राखी और अर्शी ही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान तो रुबीना और राहुल को है, क्योंकि अभी तक तो यही भैया टॉप मोस्ट कंटेस्टेंट चल रहे थे बिग बॉस के, और अब जब से राखी और अर्शी मैंने की चैलेंजर्स आए हैं तब से इनका फुटेज कम हो गया है, जो कि एक खतरे की बात है। अब इसमें क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए ये तो बिग बॉस ही जानते हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, क्योंकि अब तो फिनाले भी नजदीक आने को है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? जरा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय।